तो साड़ी और लहंगे के लिए एक परफेक्ट और इजी सा हेयर स्टाइल है। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ हेयर स्टाइल। अगर हेयर स्टाइल अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने बालों को अच्छे से कॉम किया है और बीच की मांग निकाली है। देन उसके बाद कानों के पास से बालों का सेक्शन इस तरह से मैं सेपरेट कर रही हूँ, आप देख सकते हैं वीडियो में। और जो सेक्शन सेपरेट किए हैं उसको टिक टैक पिन की हेल्प से सिक्योर कर दिया है। इनको हम लोग नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, इसीलिए मैं इस तरह से सिक्योर कर रही हूँ ताकि पीछे वाले बालों में मर्ज ना हो। नाउ अब जो बचे हुए बाल हैं उसको अच्छे से कॉम करते हुए एक पोनीटेल सिक्योर कर रही हूँ। नाउ फ्रेंड, जो मैंने पोनीटेल बनाई है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं, एक मीडियम पोनीटेल सिक्योर करी है। और ये जो पोनीटेल के बाद में बनाऊंगी एक सिंपल जूड़ा, ताकि पतले और छोटे बालों में भी आप बना सके, बनाने वाली हूँ। तो पहले मैं थोड़ा सा बालों को इस तरह से फिंगर के हेल्प से पुल कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा वॉल्यूम मिल जाए बालों में और बिल्कुल फ्लैट ना लगे और बालों का जो जूड़ा का फाइनल लुक आए अच्छा सा आए। ना जूड़ा बनाने के लिए आप यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ डोनट बन। अगर आप चाहें तो सिंपली आप रैप भी कर सकते हैं, गोल जूड़ा बना सकते हैं कोई भी तरीके से। बट जिनके पतले और छोटे बाल हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा तरीका है, डोनट बन लेना है और इस तरह से पोनीटेल में डालना है ताकि जूड़ा बड़ा भी बन सके और लॉन्ग लास्टिंग भी बन सके। तो पोनीटेल में जो डोनट बन डाला है उसके बाद यू पिन से सिक्योर किया है और फिर बालों को इस तरह से फैलाना है ताकि डोनट बन अच्छे से कवर हो जाए। और फिर एक रबर बैंड लेनी है और उसके ऊपर सिक्योर करनी है। तो वीडियो में आप अच्छे से देख पा रहे होंगे मैंने किस तरह से डोनट बन को यूज़ किया है और उसकी हेल्प से एक गोल जूड़ा बनाया है। तो जिनके पतले और छोटे बाल हैं वो इस तरह से जूड़ा बना सकते हैं। तो जूड़ा बैक साइड से बन गया है। नाउ अब फ्रेंड से हेयर स्टाइल मैं कंप्लीट करने वाली हूँ। ये जो मैंने सेक्शन सेपरेट किए थे पहले टिक टैक पिन से सिक्योर किए थे, उसको अच्छे से कॉम किया है एंड दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक बहुत ही पतली सी लेयर निकाल ली है फ्रंट में और जो बचे हुए बाल हैं उसको अच्छे से स्मूथ करते हुए, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना, हल्का सा लूप छोड़ते हुए मैंने बैक साइड में जाके सिक्योर किया है जहाँ जूड़ा सिक्योर है, तो आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। एंड जो फिर जहाँ टिक टैक पिन सिक्योर उसके बाद जितने भी बाल बचे हुए हैं उसको रैप कर दिया है जूड़े में। और सेम इसी तरह से मैं नेक साइड भी कर रही हूँ। तो मैंने अपने चैनल में फ्रेंड बहुत ही इजी तरीके से सिंदूर लुक आप किस तरह से बना सकते हैं साड़ी और लहंगे के लिए अलग अलग डाले हैं, अगर आप चाहें तो वो भी चेक कर सकते हैं। एंड फिर जब बाल अच्छे से सिक्योर हो गए, जो मैंने फ्रेंड की छोटे छोटे लेयर निकाले हैं उनको मैं स्ट्रेट कर रही हूँ स्ट्रेटनर की हेल्प से। एंड उसके बाद आप देख सकते हैं ये सिंदूर लुक है। तो मैं सिंदूर जो लगा रही हूँ वो पाउडर फॉर्म का है। देन मैं लिक्विड सिंदूर से जो फ्रेंड का डिज़ाइन है वो बना रही हूँ ट्रायंगल शेप में। तो मैंने ऑलरेडी डिज़ाइन शेयर किए हुए हैं चार डिफरेंट, जो कि मैं लगाती हूँ, अगर आप चाहें तो वो भी चेक कर सकते हैं। तो डेकोरेशन मैं यहाँ पर येलो फ्लावर से कर रही हूँ इस तरह से। अगर आप चाहें तो यहाँ पर रेड फ्लावर भी यूज़ कर सकते हैं, गजरा भी लगा सकते हैं, बट मैं इंस्पायर हेयर स्टाइल कर रही थी इसलिए मैंने येलो फ्लावर यूज़ किए। तो बैक साइड से जो हेयर स्टाइल का लुक है जो कि मैंने बनाया है आप देख सकते हैं इसका कंप्लीट लुक और फ्रंट से, तो और ये देख सकते हैं फाइनल लुक। आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो ये लुक और हेयर स्टाइल तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ, ताकि हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। बाय बाय।